नमस्कार दोस्तों स्टडी आई क्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो जर्मनी दुनिया में पहली वो मेजर इकॉनमी बनने वाली है विच इज़ गोइंग टू फेज आउट कोल पावर बाय टू थाउजेंड थर्टी एट और साथ ही में केवल कोल पावर ही को नहीं जर्मनी ने न्यूक्लियर पावर को भी आउट करने का बड़ा फैसला यहाँ पर ले लिया है इसको लेकर इन्होंने बिल पास कर दिया है और ये इस बिल के तहत ये कहा जा रहा है कि अगर ये बेसिकली जो इसके अंदर सजेशंस दी गई हैं या फिर जो इसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं अगर उनको वाकई में उनके ऊपर अमल कर पाती है कंट्री तो कोल पावर ख़त्म हो जाएगी बाई टू और आगे जाके दो तक बेसिकली जो जर्मनी का प्लान है वो है टू बिकम ग्रीन हाउस गैस न्यूट्रल सो आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को लेकिन बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ डो नॉट फोगेट टू तो सब्सक्राइब टू तो आर चैनल स्टडी आई क्यू एजुकेशन और साथ ही में बेल आइकन को दबारा ना भूलें सो दैट यू डो नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्राम आवर चैनल ऑल राइट अगर इस लेक्चर की पी डी एफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी आई की ऐप लॉन्च हो चुकी है जिसके ऊपर यूपीएससी आई की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है जिसके थ्रू घर बैठकर ही आप प्री और मेन्स दोनों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं सो so, जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को अवेल कीजिए राइट सो एज यू कैन सी ये लेटेस्ट न्यूज है अभी जर्मनी टू बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनमी टू फेज आउट कोल एज वेल एज न्यूक्लियर पावर बिल्स अप्रूव बाई बोथ दाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फ्राइडे एन विजन शटिंग डाउन दी लास्ट कोल फाइड पावर प्लांट बाई टू थाउजेंड थर्टी एट यहां पर हम जानेंगे कि जर्मनी बेसिकली ऐसा कर क्यों रहा है और बेसिकली जर्मनी इसको करेगा भी कैसे वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है राइट right. सो so, जर्मनीज पार्लियामेंट वॉज प्रिपेयरिंग टू पास न्यू लेजिस्लेशन फाइनलाइजिंग द फेज आउट ऑफ कोल एज एन एनर्जी सोर्स यानी कि एक ऊर्जा के स्रोत के तौर पर अब वो कोले का इस्तेमाल खत्म करना चाहते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वर टू वोट ऑन द रोड मैप दैट इन्विजन्स द फेज आउट ऑफ कोल बिटवीन नाउ एंड 2038 अगर ये कर पाता है जर्मनी विल बी द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री दैट लीव्स बिहाइंड बोथ न्यूक्लियर एनर्जी एंड कोल एनर्जी यानी कि इनका अब कंप्लीट कंट्री जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होगी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है अगर वाकई में जर्मनी ऐसा कर पाता है अगर अब सवाल ये आता है कि जर्मनी ऐसा कर क्यों रहा है तो सबसे पहले तो आता है क्लाइमेट चेंज आपको मालूम होगा जो हमारे पैरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के तहत जो हमने आई को साइन किया था इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि हम अपने आप से वॉलन्टरीली हम कुछ एमिशंस को कम करना चाहते हैं और कुछ हमने इंटरनेशनली अग्रीज टारगेट्स को भी फॉलो करना था ऑल कंट्रीज मस्ट अचीव रैपिड डी कार्बोनाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स बाई द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जर्मनी ने इस चीज़ का फैसला लिया है Germany's ग्रोथ in प्रोडक्शन ऑफ सोलर एंड विंड पावर is एन example फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंक्रीज the proportion ऑफ renewable एनर्जी इन द टोटल इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन तो यही नहीं कि वो कोल और न्यूक्लियर को तो आउट कर ही रहे हैं बल्कि साथ ही में वो सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा को भी जितना हो सके उसको इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं अपने कंट्री के अंदर दूसरी चीज जिसकी वजह से जर्मनी ये कर रही है बेसिकली क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे प्रदर्शन किए जा रहे थे ये प्रदर्शन कौन कर रहा था ग्रीन पीस जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है एनजीओ है और कई सारे और एनवायरमेंटल ग्रुप्स दे हैव स्टेज वोकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्लान इंक्लूडिंग बाय ड्रॉपिंग अ बैनर डाउन द फ्रंट ऑफ द राइस ट्रैक बिल्डिंग दे आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट्स रोड मैप रिड्यूस जर्मनीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन फास्ट इनफ टू मीट द टारगेट सेट आउट इन द पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड कि जो बेसिकली अभी गवर्नमेंट कर रही थी उसके अनुसार अगर गवर्नमेंट चलती रही तो वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम नहीं कर पाएगी तो इसी के चलते जर्मनी ने यहां पर ये फैसला लिया राइट ये जो बेसिकली यहां पे गैर सरकारी संगठन यहां पे प्रदर्शन कर रहे थे इनका प्रदर्शन करने का कारण भी गलत नहीं था क्योंकि उनका ये मानना था कि इवन दो हमने यहां पे कोल का प्रोडक्शन कम कर दिया है कोल का यूज़ कम कर दिया है और साथ ही में न्यूक्लियर का भी यूज़ कम कर दिया है लेकिन इन दोनों के यूज़ को कम करने के बावजूद हमारा जो कार्बन एमिशन है वो क्यों नहीं कम हो रहा सवाल ये था वाई आर एंट रिन्यूएबल्स डिक्रीजिंग जर्मनीज

अभी जर्मनी ने जो डिक्लाइन किया है वो केवल न्यूक्लियर में किया है लेकिन जो कोल फायर्ड उनकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है उसकी मेंटेनेंस में जो कार्बन इमिशंस होती हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि अभी भी आपका कार्बन इमिशंस कम नहीं हो पा रहा है इसके चलते प्रदर्शन किए जा रहे थे राइट right? इनफैक्ट इन्होंने कहा कि नियरली फोर्टी ईयर्स आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द जर्मनी एनर्जी ट्रांजिशन जर्मन स्टिल रिमेन्स द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट विद लिग्नाइट एंड हार्ड कोल प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट फोर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो अपने दावे को और मजबूत के लिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपके कार्बन एमिशन कम नहीं हो रहे हैं क्यों कम नहीं हो रहे हैं बिकॉज आपने न्यूक्लियर को तो कम किया है लेकिन कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को आज भी आप बढ़ा रहे हैं उसकी मेंटेनेंस में आज भी बहुत सारा कोला लग रहा है और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि जर्मनी आज भी जो है 40 प्रतिशत अपनी इलेक्ट्रिसिटी कोले से बनाती है एंड इट इज स्टिल दी वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट जो कि कोल की ही एक टाइप होती है विथ टेल्स की जर्मनी बेसिकली लोगों को झूठ बोल रही थी इसी के चलते ये प्रोटेस्ट हुए और अब जर्मनी ने फाइनली ये फैसला लिया क्लाइमेट चेंज और प्रोटेस्ट के चलते जर्मनी ने फैसला लिया कि हम कोले वाली इलेक्ट्रिसिटी को भी हम खत्म कर देंगे बाई टू थाउजेंड थर्टी एट अच्छा एक और चीज़ जर्मनी बेसिकली ये करने कैसे वाला है तो जर्मनी करने कैसे वाला है जर्मनी इस एनर्जी ट्रांजिशन को की तरफ जाने कैसे वाला है बाई बॉटम अप इनिशियेटिव बाई पीपल एंड प्राइवेटली ओंड कंपनीज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इसमें शेयर ऑफ आर ई एस इन टोटल पावर प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम थ्री परसेंट टू फोर्टी परसेंट इन टू थाउजेंड एटीन और साथ ही में इन्होंने कई सारे नए रोजगार भी क्रिएट किए स्प्रेड रिलेटिवलीवनली अक्रॉस दी एंटायर कंट्री तो ये भी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटी है इन फैक्ट जो कि वहाँ के चांसलर एंजला मर्कल की दी हुई स्ट्रेटेजी है कि हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे यानी कि इनिशियेटिव बॉटम अप इनिशियेटिव को चलाएंगे लोगों को जो लोन्स हैं वो सब सस्ते में दिए जाएंगे कैपिटल लोन्स काफी सस्ते में दिए जाएंगे और यहां पर बैंकों को भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस दे रखी हैं उन्होंने जिसके थ्रू कि अगर कोई सोलर प्लांट लगाना चाहता है कोई अगर मान लीजिए सोलर रूफटॉप लगाना चाहता है तो उसको जो लोन है वो काफी जल्दी पास हो जाता है इन सभी चीजों के चलते इन्होंने अपनी कंट्री को सोलर और विंड के लिए काफी ज्यादा सक्षम बना दिया है कमिंग टू द सेकेंड पार्ट अगर आप देखें रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर पावर में क्या हुआ था तो यहां पर जर्मनी ने ये फैसला क्यों लिया क्योंकि 2011 में जब फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हु हुआ था जापान में इट लेड टू वाइड स्प्रेड एंटी एटॉमिक पावर प्रोटेस्ट अक्रॉस जर्मनी देखिए जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो कि न्यूक्लियर के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करती थी जैसे ही फुकुशीमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ उसके इमीजिएटली दो महीने के बाद चांसलर एंजला मर्कर ने अनाउंस किया कि हम अगले दस साल के अंदर अंदर सभी न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर देंगे एंड जर्मनी अगर ये कर पाता है जर्मनी विल बी दंड कंट्री आफ्टर इटली टू शट डाउन ऑल ऑफ इट्स एटॉमिक एनर्जी स्टेशन विच इज अगेन अ वेरी बोल्ड मूव और काफी ज़्यादा अच्छा भी है फॉर द इनवायरमेंट यहां पर जर्मनी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस जर्मनी हैज़ वाउट टू स्टार्ट डी कमिशनिंग ऑल ऑफ इट्स सेवेंटी न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी बाई द power plant in southern Germany. It was the only nuclear power plant still operating in the southern state of बेडन वोटमबर्ग यानी कि इन्होंने एक पूरे रीजन को तो ऑलमोस्ट खाली कर दिया है जहां तक हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की सो आई थिंक काफी बोल्ड मूव है जो जर्मनी ने लिया है और अगर ये वाकई में कर पाती है जर्मनी कैन एक्चुअली सेट एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज स्पेशली अगर हम बात करते हैं फ्रांस की या फिर अगर हम बात करते हैं यू की या फिर अगर हम बात करते हैं यू की इन सभी कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रोड मैप सेट कर सकती है हालांकि यू एस ऑलरेडी पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है बट स्टिल यू एस इज़ ऑलसो लुकिंग टू रिड्यूस इट्स एमिशन सो इन सभी चीज़ों के लिए ये वाले स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं कमिंग बैक जर्मनी एम्स टू बिकम ग्रीन हाउस गैस न्यूट्रल बाय 2050 मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि 2038 तक तो वो बेसिकली कोल पावर को फेज आउट करना चाहते हैं और 2050 तक उनका ये अनुमान है कि हम ग्रीन हाउस गैस न्यूट्रल बन जाएंगे ग्रीन हाउस गैस न्यूट्रल कहने का मतलब कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम ऑब्जॉर्ब भी कर रहे हैं हम एटमोस्फेयर में कुछ भी ग्रीन हाउस नहीं छोड़ रहे हैं अगेन इफ दिस इज डन इट विल बी अ रियली गुड थिंग स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री लाइक जर्मनी इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूंगा थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टेट ट्यून्ड एंड स्टे सेफ